मिस्टर बाजवा, परी की हालत में अभी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है और सबसे बड़ा इशू है बीपी के ऊपर नीचे होने का। जब तक बीपी स्टेबल नहीं होगा कुछ भी हो सकता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अचानक से बीपी के ऊपर नीचे होने से बॉडी ऑर्गन फेल हो सकते हैं, इसलिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे जिससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। अभी पेशेंट को ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप ये बोल रहे हैं ना कि पेशेंट को थोड़ा टाइम लग सकता है, बट पेशेंट ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, जब आप परी को यहाँ लेकर आए थे मैं तब ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। शी विल बी फाइन। बट चैनल पर आ रहे सीरियल परिणीति के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जिस तरीके से सीरियल परिणीति के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब जो है शो में एक बार नया ट्विस्ट फिर से देखने को मिलने वाला है। परी जिसे नीति मारने की कोशिश करती है, हर बार नीति की कोशिश नाकामयाब साबित होती है। बेबी की ये बात फिर से सही निकल गई कि पता नहीं परी कौन से भगवान की पूजा करती है जो हर बार बच जाती है। बट क्या पेशेंट SOS के बाद जितना लेट रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है उसकी ठीक होने की उम्मीद उतनी ही कम हो जाती है। ऐसे कैसे बोल सकती हैं डॉक्टर? आप सब लोग इतने टैलेंटेड हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप ऐसे कैसे उम्मीद छोड़ सकते हो? इसीलिए तो हम टेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें कोई रास्ता मिल जाए। आप लोग ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। मैं चलती हूँ। तो इस बार फिर ऐसी हुआ, भगवान ने और राजीव ने मिलकर, दोनों ने मिलकर परी को बचा ही लिया। अब क्योंकि परी और राजीव की शादी रह गई थी बीच में अधूरी, तो इस अधूरे काम को तो पूरा करना ही है। तो परी बनने वाली है एक बार फिर से राजीव की दुल्हन। होने वाली है फिर से राजीव और परी की शादी जो कि रह गई थी अधूरी। अब अधूरा तो यहां पर नीति का काम भी रह गया था। नीति को परी को मारना है और अभी तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई है, तो ऐसे में वो एक बार फिर से कोशिश करने वाली है। लेकिन इस बार परी और नीति में आमने सामने जंग छिड़ी है। यानी कि पहले तो अकेली नीति ही थी जो जंग का हिस्सा थी, लगी हुई थी, लेकिन इस बार परी भी अपना बचाव करने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए आगे आ गई है, अपने आप को बचाने के लिए आगे आ गई है। परी और नीति की आमने सामने की टक्कर कैसी साबित होगी, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि शो में अभी जिस तरीके से परी हॉस्पिटलाइज दिखाई जा रही है, तो ऐसे में बहुत जल्द परी को घर लेकर आया जाएगा। कमेंट सेक्शन में गाइज आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।